आप लोग सर थोड़ा सा बताएंगे कि 2024 में क्या मुद्दा रहने वाले हैं आप लोग के चुनाव के? हमारा वोट आया ही नहीं तो भाई पता नहीं, चुनाव होते हैं ये पता है? ये तो पता है। 2024 में चुनाव होने वाले हैं अभी कुछ महीनों बाद, तो उसमें आप तो भाई हम क्या बताएं, आपके क्या मुद्दा होने वाले हैं, किस मुद्दा पर आप वोट देंगे? भाई हमारा वोट ही नहीं आता। अभी आपका उम्र नहीं हुआ है? नहीं। आपका उम्र हुआ है? नहीं हुआ। आपको सर? उम्र हो चुकी है लेकिन मैं यहाँ का नहीं हूँ, आजमगढ़ का हूँ। यहाँ आजमगढ़ नहीं, तो ये तो चुनाव हर जगह होंगे। ठीक है, जब होंगे तब देखा जाएगा, अभी काफी दूर वक्त है। जीतने की पूरी उम्मीद है अखिलेश की। अखिलेश यादव जीत करके क्या बनेंगे? बहुत क्या बनेंगे, मतलब तो आम जनता की सेवा वो करेंगे। ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी योगी ये क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। यहाँ देखो सब, यहाँ ना ठेले लग पाते हैं ना कुछ लग पाते हैं। गरीबों को खाली उनको परेशान करना है बस, और क्या करना उनका। गरीब इंसान ना कमा पा रहा ना खा पा रहा है, वो क्या करे, ना पढ़ पा रहा ना लिख पा रहा है। जो पढ़े लिखे उनको बेचारों को नौकरी नहीं मिल रही है, वो क्या करे। आप कितने तक पढ़े हैं? हम नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़ पाए। हम नहीं पढ़ पाए। कितने साल उम्र हुई आप? हमारी ये 17 साल। 17 साल। हाँ, क्यों पढ़ाई नहीं किया? पढ़ाई क्या करे, घर वाले हैं गरीब, हम ठेला लगाते हैं, घर का खर्चा चलाते हैं, और क्या करे। अंडा बेचते हैं? हाँ, अंडे का ठेला लगाते हैं। कितने की बिक्री हो जाती है दिन में? बिक्री इस समय कुछ है ही नहीं। यहाँ पहले टिकने को मिले तभी तो, यहाँ टिकने ही को नहीं मिलता है, हटा दिया जाता है, तुरंत हटा दिया जाता है। कौन हटाता? पुलिस वाले, यहाँ लगने ही नहीं देते। खाली ये सरकार जब से आई खाली गरीबों को परेशान कर रही है बस। सबसे किस क्लास तक पढ़े? हाँ, किस क्लास तक? भाई हम कक्षा एक तलक नहीं पढ़े, हम अंगूठा छाप है। हिसाब किताब कैसे जोड़ते हैं? हिसाब किताब तो हम जोड़ लेते हैं। हाँ, मतलब आ गया। हाँ, इतना तो आ गया। अच्छा ये बताइए कि जैसा कि आपने कहा 17 साल आपकी उम्र हो गई, तो आप जब भाजपा की सरकार बनी होगी 2014 में, मान लीजिए केंद्र में बना, या 2017 में बना, तो अभी तो भारतीय जनता पार्टी को आए हुए मान के चलिए 6-7 साल हुए उत्तर प्रदेश में, उससे पहले आपकी उम्र 11 साल हो गया होगा। 11 साल में सरकार बनी हुई, तो उस समय तो बसपा की और सपा की सरकार थी, उस समय क्यों नहीं पढ़ाई की? उससे जब मेरे माँ बाप गरीब हैं तो कैसे पढ़ाई करें, बाप हमारे पढ़े लिखे। सरकारी स्कूल में? सरकारी स्कूल में पढ़ाई क्या होती है, वहाँ कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, खाली ये मारा मारी है बस, और कुछ भी नहीं है। तो आप बिल्कुल गए ही नहीं है कभी स्कूल? गए तो हैं, प्राइमरी पढ़ा है 3 महीने। 3 महीने? हाँ। पूरे जिंदगी में आपका क्या नाम है? मोहम्मद वकील। वकील? हाँ। मोहम्मद वकील जी पूरे अपने जिंदगी में 3 महीने स्कूल गए? हाँ, 3 महीने गए। तो दिक्कत वगैरह नहीं होती है? दिक्कत वगैरह का आयोगी नहीं है, आराम से खाते हैं, आराम से रहते हैं। घर का पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा हमारा रक्षा चलाते हैं, रक्षा चलाते हैं, बैटरी वाला, बैटरी वाला वो चलाते हैं। मम्मी? हाँ, मम्मी घर पे रहती है। कितने भाई बहन है आप? 3 भाई है खाली, सबसे बड़े हम ही है। सबसे बड़े आप? हाँ। दो भाई कितने साल के हैं? दो है, एक है 8 साल का, एक है 11 साल का। एक 8 साल का, एक 11 साल का। हाँ। क्या करता है 11 साल वाला भाई आपका? वो जाता है पढ़ने, वो दोनों पढ़ने जाते हैं, उसके बाद आके सिलाई की दुकान पे जाते हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं दोनों भाई? हाँ? किस क्लास में? एक 6 में पढ़ता है बड़ा वाला, 11 साल वाला। हाँ। और एक 8 साल वाला? 2 में। 2 में? तो उसको आप पढ़ाते हैं? हाँ, पढ़ाते हैं। यही अंडा बेच करके जो कमाई होता है उससे, और आपके जो पापा कमाते होंगे। हाँ, बिल्कुल। ये बताइए कि आपने तो मान लीजिए पढ़ाई नहीं किया, तो आगे चल करके अब आज के समय में पढ़ाई के बिना इतनी सारी दिक्कतें आती हैं, शादी विवाह में भी, तो उसमें कोई दिक्कत आपको? उसमें तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमें अब काहे की दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आराम से कमाएंगे, आराम से खाएंगे, आराम से रहेंगे। जो पढ़े लिखे हैं उनको भी दिक्कत हो रही है, हमको तो दिक्कत हो ही रही, जो पढ़े लिखे उनको भी दिक्कत हो रही है, उनको भी नौकरी नहीं मिल रही है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे इस समय रक्षा चला रहे हैं, नौकरी मिल नहीं रही, रक्षा चला रहे हैं, होटलों पे काम कर रहे हैं,
और दुकान खुद की खोले हुए ठेला चला रहे हैं। और क्या हो रहा? आपके पढ़े नहीं है? हा? पापा भी आपके पढ़े नहीं? भाई दोनों पढ़े रहे, पापा नहीं पढ़े, अम्मी पढ़ी है। अम्मी पढ़ी है? पापा नहीं पढ़े। कहाँ तक पढ़ी है अम्मी? कहाँ तक? कक्षा सात तक। सातवीं तक पढ़ी? उन्होंने आपको पढ़ाने का कोशिश नहीं किया? कोशिश किया, मेरा हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि इतना कर्जा है हमारे ऊपर। बचपन से आपको कैसे पता चल गया कि इतना कर्जा है? बचपन में जो जब भाई 4-5 साल के होंगे तो भेजी होंगे ना? नहीं तब नहीं, अभी घर बनवाया उसका कर्जा। जब बचपन में काम ही कर रहा हूँ होटल लाइन में, यहाँ करता था चौक में, इसीलिए मैंने इस समय घर भी बनवा लिया, जमीन भी ले ली, सब कुछ अब हो गया है। अब एक खुद की दुकान है, अब थोड़े दिन के बाद यहाँ नहीं, अब खुद की दुकान हम खोलेंगे मोहनीपुर में। मोहनीपुर जी, इसी काम से आप पैसा कमाते हैं? हाँ, इसी काम से पैसा कमाते हैं। इसी काम से आपने घर भी बनवा लिया और जमीन भी खरीद लिया? हाँ, और पापा को ऑटो भी दिला दिया। पापा को ऑटो भी आप ही ने दिलवाया? हाँ। पापा उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले गाड़ी का काम करते थे, मैकेनिकल। हाँ, मैकेनिक का काम। उसका काम बंद हो गया था, इसलिए ये वाला काम चालू कर दिया। अच्छा, तो आपने जैसा घर बनवाए, जमीन खरीदे, तो आपके पास घर नहीं था पहले? नहीं था, तो जो हमारे दादा थे उनके पास जमीन थी, मेरी ज्यादा नहीं थी, थोड़ी थी। अब हम तीन भाई हैं और उतने में क्या होगा, एक बिस्वे जमीन में क्या होगा, उसमें हमारे मम्मी पापा रहेंगे और हम सब कहाँ रहेंगे। सरकार द्वारा कोई सुविधा जैसे कि शौचालय मिल रहा है, घर मिल रहा है, तो उसमें आप लोगों ने? नहीं, चाचा को हमारे मिला ना शौचालय का पैसा आया ना कायो का आया। और मिला चाचा को? हाँ, चाचा को क्या मिला? वो मिला था, कॉलोनी मिली थी, ना लेटरिन का पैसा आया ना कायो का पैसा आया, खाली जो उसकी सुविधा हुई खाली उसका पैसा मिला, जो इधर उसके बाद लेटरिन वेटरिन बनवाई गई, 80,000 का खर्चा आया, वो एक रुपया नहीं आया। हम जिला सीतापुर के रहने वाले हैं। आप यहाँ रहते हैं? हाँ, यहाँ हम काम करते हैं, यहाँ किराए से रहते हैं। पापा कहाँ रहते हैं? पापा भी यहीं रहते हैं। पापा और आप एक ही साथ रहते हैं? हाँ, सब लोग एक ही साथ में रहते हैं। मम्मी भी? हाँ, भाई भी? हाँ। तो घर कहाँ बनवाए हैं यहाँ की? सीतापुर, रेवसा जिला सीतापुर, नई बस्ती। तो कौन है वहाँ का विधायक आपका, पता है? ज्ञान तिवारी। ज्ञान तिवारी? हाँ। और सांसद कौन है? हाँ, सांसद वो जो जिला अध्यक्ष हैं वो ज्ञान तिवारी हैं, जो वहाँ के प्रधान है वो हामिद है। हामिद? हाँ। तो प्रधान से आपने बात नहीं किया आवास के लिए कभी, या आपके पापा बात नहीं किया? उन्हीं ने बात की। बात की क्या है, खाली उधर जो जिधर सब हिंदू लोग रहते हैं उधर काम हो रहा है, हमारी तरफ हो ही नहीं रहा। क्या नाम बताया प्रधान का आपने? हामिद। हामिद हिंदू के तरफ काम कराते हैं? हाँ, क्योंकि उनको डराया धमकाया जा रहा है ना कि तो तुम्हारा बस्ता छीन लिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो काम ही नहीं करते। बस्ता छीन लिया जाएगा मतलब? हाँ, बस्ता जो प्रधानी है वो उनकी जब्त कर ली जाएगी। अच्छा। हाँ, धमका करके उनसे काम लिया जा रहा है हिंदुओं द्वारा। हाँ, और मुसलमानों की तरफ काम नहीं करते? वो करती ही नहीं है। वोट उन्हें कौन ज्यादा देता है? हाँ, वोट तो सब वहाँ देते हैं, वोट तो सब देते हैं, मगर प्रधान का कौन सा काम है? सबको देखना, सबको देखना, ना उधर रोड बन रही है, ना उधर कुछ बन रहा है, और सब लोग रोटे बन गई, हमारे उधर रोड क्यों नहीं बन रही है? यहाँ रोड नहीं बन, रोड बन ही नहीं रही। अगर बारिश हुई सब पानी घर के आगे भर गया। आवास के लिए कभी आप लोगों ने मिला नहीं? आपके पिताजी मिले तो क्या बोले वो? प्रधान क्या बोले आवास के लिए? बोलती नहीं, कुछ भी नहीं बोलते वो। शौचालय के लिए मिले तो? हाँ, वो भी नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं हुआ। वो क्या कुछ कहते हैं या फिर? वो तो घर वाले जानते हैं। हाँ, कोई सरकारी सुविधा अभी तक आपको मिली हो? नहीं, कुछ नहीं मिला। आवास और शौचालय के अलावा जो आपको राशन हर महीने मिलता है वो मिलता है? राशन क्या मिलता है? राशन जो 5 किलो चावल और गेहूं। अरे सब पे तो रेट बढ़ा हुआ है, राशन इस समय खाली फ्री में मिल रहा है। नहीं तो काफी दिनों से मिल रहा है, वो मिलता है ना? हाँ, वो तो मिलता है। कितना मिलता है? यहाँ नहीं मिलता, गांव में मिलता था, अब गांव में रह नहीं रहे, इस समय नहीं मिल रहा है। क्योंकि गांव में आपका गांव का नाम होगा, पता होगा। हाँ, वहाँ का है। अगर जब संशोधन कराएंगे तब यहाँ से मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा संशोधन। तो ये बताइए कि आगे का क्या करना है, क्योंकि ये अंडा बेच करके ही पूरे जीवन मतलब व्यापन करना है या फिर कुछ और करना है? दुकान खोलनी हमको बड़ी, होटल। हाँ, उसके लिए पैसा?
पैसा तो हम काम कर ही रहे हैं, कमाएंगे आराम से दुकान खोलेंगे, क्या किसी के तलवे चाटने से तो अच्छी ही है, खुद की दुकान, ना किसी की गुलामी करना ना कुछ करना, इसलिए हम मेहनत से कमाते हैं, ना हराम की खाते हैं ना हराम की गाते हैं, जो सच है वो कहते हैं, जो झूठ है उसको हम झूठी कहते हैं। कौन नेता आपको अच्छा लगते हैं? अखिलेश यादव। हाँ, सबसे बढ़िया है वो नेता है। मोदी जी कैसे लगते हैं? बहुत बेकार है, वो खाली देश बेच रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो खाली गरीबों को परेशान कर रहे हैं, देश बेच रहे हैं बस, और वो करेंगे भी क्या, उनकी बस की बात नहीं है, उनकी बस की बात कुछ भी नहीं है। योगी जी कैसे लगते हैं? सब वही धन के, सब दलाल हैं। तो इस चीज का पता कैसे आपको चलता है कि कौन नेता अच्छा है कौन नेता बेकार? तो मैं तो वीडियोस भी देखा करता हूँ, सब कुछ मैं देखा करता हूँ, हमारे बड़ा वाला मोबाइल है, कहाँ क्या हो रहा है कहाँ क्या नहीं हो रहा है सब कुछ मैं देखा करता हूँ। एक नेता है ओवैसी, कैसे लगते हैं? वो भी सही है। सबसे बढ़िया है अखिलेश, सबसे बढ़िया अखिलेश, उसके बाद ओवैसी। हाँ, ओवैसी तो फिर भी कुछ भी नहीं है, सबसे बढ़िया अखिलेश है। मैं मुस्लिम हूँ फिर मैं अखिलेश का नाम ले रहा हूँ, क्यों, सबसे बढ़िया वो है, गरीबों को सब कुछ देते हैं, राशन पानी घर घर चलकर भी आते हैं, मुलायम सिंह वो सब तो हमारी वहाँ के रहने वाले हैं, रेवसा जिला सीतापुर के, वहीं के रहने वाले, हाँ वो वहीं के रहने वाले हैं। तो ये बताइए कि जैसे कि आप नेताओं के बारे में बता रहे हैं, तो अभी आपका उम्र 17 साल है, एक साल बाद, अभी तो हालांकि 24 में हमको लग रहा है कि वोट नहीं दे पाएंगे आप, उसके आगे वोट देंगे, तो क्या मुद्दा रहेंगे आपके वोट देने के? अखिलेश को देंगे, ऐसे किसी नेता को दे देंगे या कुछ मुद्दा होते हैं, कुछ सोचते हैं कि इस नेता को क्यों वोट देंगे? उसको हमें कुछ नहीं सोचना, जो अच्छा काम करेगा उसको देंगे, जो बेकार काम करेगा उसको नहीं देंगे, वो चाहे हमारी बिरादरी हो, वो चाहे जिसकी बिरादरी हो, जो बढ़िया काम करेगा उसको वोट मिलेगी, जो घटिया काम करेगा उसको नहीं मिलेगी। अच्छा, अगर अखिलेश और ओवैसी एक साथ खड़े हो गए तो किससे मिलेगा वोट? अखिलेश और ओवैसी एक साथ आ गए तो? एक साथ आ ही नहीं सकते। नहीं, एक मतलब एक तरफ ओवैसी हैं एक तरफ अखिलेश हैं, तो किसको वोट देंगे? अखिलेश को। ओवैसी को नहीं देंगे? नहीं, अखिलेश को देंगे, अखिलेश को देंगे। ओवैसी को क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं तो किसी को क्यों दूंगा, जब वो अच्छा काम करते हैं सब कुछ वो करते हैं तो उनको क्यों दूंगा, मानता हूँ कि वो मुस्लिम है फिर भी जो अच्छा काम करेगा उसी को तो देंगे, बिल्कुल। हमारे वहाँ अस्पताल सब कुछ बना, सब कुछ बन गया, चौराहा भी बन गया, सब कुछ बन गया, स्कूल बने सरकारी, सब कुछ तो अखिलेश ने बनवाया, इन्हीं ने क्या बनवाया, ये इन्हीं ने तो खाली बेचा है, जितना बनवाया नहीं उससे ज्यादा बेचा है इन्हीं ने, और क्या किया है। तो ये बताइए कि अब जैसे कि आगे चुनाव होते रहेंगे, तो अभी तक जो चुनाव हुए हैं उसमें अखिलेश यादव जीत नहीं पा रहे हैं, मतलब जीतने का अर्थ है कि उनकी सरकार नहीं बन पा रही है, क्या कारण है? कारण झूठ मक्कारी से तो इंसान करोड़पति भी बन जाता है, झूठ मक्कारी से इंसान करोड़पति भी बन जाएगा, ईमानदारी से जीत के दिखाएं, कोई ईमानदारी से करोड़पति बन के दिखा दे, बन जाएगा। चुनाव ईमानदारी से नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है, ईमानदारी से नहीं हो रहा है चुनाव, कैसे होने चाहिए चुनाव? हाँ, कैसे होने चाहिए चुनाव? जैसे पहले होते थे वैसे हो? कैसे? ये मशीन में तो बेईमानी होती है, बैलेट पेपर पे होना चाहिए। हाँ, उस पे होना चाहिए, बैलेट पेपर पे मोहर लगने चाहिए, उसको गिनती करनी चाहिए। हाँ, उसमें भी बेईमानी हो जाएगी, सरकार उनकी है सब कुछ उनका, उसमें भी बेईमानी हो जाएगी, क्योंकि सरकार उनकी है सब कुछ तो उनका है, उसमें भी बेईमानी होगी। कैसे सरकार बदलेगी आपके हिसाब से? हाँ, सरकार कैसे बदलेगी? सरकार तो बदलेगी, कैसे वो बदलेगी? 24 में क्या लग रहा है आपको? अखिलेश, हाँ अखिलेश प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं वो, मतलब आप उनको बनाना देखना चाहते हैं? हाँ, उन्हीं को देखना चाहते हैं, अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। हाँ, और वो कैसे बनेंगे? बनेंगे क्यों नहीं, वो ईमानदार इंसान है,
वो उनकी तरह बेईमान नहीं है। मेरे ईमानदार इंसान की आजकल इज्जत ही कहाँ है, बेईमान इंसान की बहुत इज्जत है। नहीं तो जैसे कि आपने कहा कि चुनाव में ये लोग धांधली कर ले रहे हैं, तो धांधली करके तो फिर 24 में भी जीत जाएंगे। हाँ 24 में तो इनका नामुमकिन है। हाँ क्योंकि अभी देखो परेशान किया गया ड्राइवरों को, अगर ट्रक लड़ा किसी का एक्सीडेंट हुआ 7 लाख रुपया जुर्माना 10 साल की जेल लगाएंगे योगी। हाँ तो ये सब जो जो ये 24 में योगी जी की सरकार। हाँ तो ये सब है उन वो गरीब इंसान ट्रक चला रहे हैं, तो अगर उनका पैसा हो ट्रक क्यों चलाए यार? इतना जानकारी, सारी जानकारी कहाँ से तुमको मिल जाती है? हम तो सब कुछ देखा करते हैं, हम पढ़े लिखे नहीं फिर भी इतना दिमाग हम रखते हैं। नहीं यार तुम तो पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं वो लोग भी ये जानकारी नहीं रखते हैं। तुम एग्जैक्ट फिगर बता रहे हो कि 7 लाख रुपए और 10 साल की जुर्माना। हाँ बिल्कुल, वो उसके बाद है कानून क्यों वापसी ले ली, क्यों अभी पता है क्यों वापसी ले ली? क्योंकि उनको पता है ना इंसान लाइसेंस किस लिए बनवाता है, किस लिए बनवाता है बताओ, किस लिए बनवाता है? आप बताइए, लाइसेंस हाँ लाइसेंस होता हाँ एक उसका होता है जी। तो ये बताइए कि अब आपको लग रहा है कि 2024 में अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बनकर आएंगे? अखिलेश यादव नरेंद्र मोदी हार जाएंगे? वो कहाँ हारेंगे, बेईमान इंसान कभी हारता है? तो फिर कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे अखिलेश? वो बनेंगे, वो चाहे 2024 बने चाहे बाद को बनेंगे, वो बनेंगे। हाँ बनेंगे वो। तो चलिए ये थे मोहम्मद वकील जी, जो कि इससे पहले रेस्टोरेंट में किसी में काम करते थे और अब अपना खुद का दुकान अंडा खोले हैं और भविष्य में अपना एक कोई होटल खोलने की इनकी तैयारी है। इनके दो भाई और हैं, यानी ये 3 भाई हैं, इनके 2 भाई पढ़ाई करते हैं और इनके पिताजी रिक्शा बैटरी वाली चलाते हैं, उनकी माताजी गृहिणी हैं। और इन्होंने अखिलेश जी की तारीफ करते हुए बताया कि अखिलेश यादव जी भविष्य में प्रधानमंत्री बनेंगे और साथ ही साथ उन्होंने भाजपा की तमाम सारी कमियां बताई, साथ ही साथ सरकारी जो वादे किए जाते हैं उसके भी कई सारे पोल खोले कि इनके गांव में कैसे एक मुसलमान प्रधान होने के बावजूद इनके मुसलमान इलाकों में मुसलमान जो जहां रहते हैं वहां पर काम नहीं होते हैं, ऐसा इनका दावा है। कितने सच्चाई है इसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूँ। और फिर आगे ये अब एक होटल खोलने वाले हैं, इससे कितना कमाई हो जाती है एक मोटा मोटी बता दीजिए? 400-500 बच जाता है। हाँ 400-500 बच जाता है जी। तो चलिए इनके बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी हम क्लॉक टावर पे मौजूद थे और क्लॉक टावर पे ही इनकी दुकान थी। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए लखनऊ वाले। मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे विवेक गुप्ता, सहयोगी मित्र सुमित सिंह चौहान। धन्यवाद।